दोस्तों स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल लर्निंग सपोर्ट बाय जासिक। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे, कभी कभी सेंटेंस में कहना होता है कि इनमें से कोई भी अगर सेंटेंस में हमें कहना हो तो उस तरह के सेंटेंस में हम लोग आइदर ऑफ दिस का यूज़ करते हैं। आइदर ऑफ दिस का यूज़ करके उस तरह के सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर सेंटेंस में ऐसा कहना हो, एग्जाम्पल नंबर वन, अगर ऐसा सेंटेंस में कहना हो कि इनमें से कोई भी कलम लाल होगी, इनमें से कोई भी कलम लाल होगी। देखिए उस तरह के सेंटेंस में भी हमको क्या करना है, आइदर ऑफ दिस का यूज़ करना है। इनमें से कोई भी, यानी इनमें से कोई भी कलम लाल होगी, तो आइदर ऑफ दिस पेंस, इनमें से कोई भी कलम क्या होगा, लाल होगा। तो आइदर ऑफ दिस पेंस विल बी रेड, इनमें से कोई भी कलम लाल होगी। तो चलिए एक और सेंटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा इससे डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं कि अगर सेंटेंस में ऐसा कहना हो कि इन दोनों में कोई भी किताब ऐसा ले लेते हैं कि इन दोनों में कोई भी किताब 10वीं की होगी। तो देखिए इस तरह के सेंटेंस को आपको कैसे ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ भी देख सकते हैं सेंटेंस में क्या आया, इनमें से कोई भी, यानी इन दोनों में से कोई भी। यहाँ पे पहले वाले में था इनमें से कोई भी, तो आइदर ऑफ दिस का हम लोगों ने यूज़ किया। यहाँ सेंटेंस में क्या है, इन दोनों में कोई भी किताब 10वीं की होगी। तो इन दोनों में कोई भी के लिए आपका क्या हो जाएगा, आइदर ऑफ दिस टू, इनमें से कोई दो, ठीक है। आइदर ऑफ दिस टू क्या बुक्स, तो आइदर ऑफ दिस टू बुक्स, ठीक है, 10वीं की होगी। तो विल बी ऑफ 10th class, ठीक है। इन दोनों में कोई भी किताब 10वीं की होगी। आइदर ऑफ दिस टू बुक्स विल बी ऑफ 10th class। तो आप इस तरह से इस सेंटेंस का आप इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे। तो जस्ट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बेसिक आपको याद रखना होगा। बेसिक आपका यह है कि कभी भी सेंटेंस में हमको कहना हो इनमें से कोई भी, तो आइदर ऑफ दिस का यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस में कहना हो कि इन दोनों में से कोई भी, तो आइदर ऑफ दिस टू, इस तरह से सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आपके पास बहुत सारा सेंटेंस का एग्जांपल हो सकता है, जस्ट आप बेसिक आप याद रखें, आप इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।